हेलो सर। तो इस समय हम लोग सीखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। और मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें करंट कैसे निकालते हैं, उसका रेट ऑफ हीट डेवलप कैसे निकालते हैं। फिर मैंने एक नोडल एनालिसिस बताई थी जिसके सहायता से हम लोग किसी भी रजिस्टर में करंट कितना इसे कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो नोडल मेथड के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक बार फिर कर लें। जैसे ये क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 2। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। ये है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है, दिस वन इज द 50 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 10 ओम, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 20 ओम। क्वेश्चन है फाइंड करेंट इन ईच रजिस्टर्स। ओके, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नोडल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट का, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और एक और बात रिपीट कर रहा हूँ कि बीपीवाई के एग्जाम में 11th में जो एसए का एग्जाम होता है उसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेंगे। तो चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, फिर यहाँ तक क्या आएगा, 0 पोटेंशियल। याद करो मैंने कहा था ना, पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब बीच में रजिस्टर आएगा या बैटरी आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। इसका पोटेंशियल 0, तो मैंने इसका भी 0 मान लिया। अब देखो ये 10 वोल्ट का है, तो ये 10 वोल्ट ज्यादा हो गया ना, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, 10। अच्छा ये 0 है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, अच्छा ऊपर निगेटिव प्लेट है, इसका मतलब उधर का पोटेंशियल घट रहा है। तो अगर ये 0 वोल्ट है और ये 20 का मतलब होता है कि इस प्लेट और इस प्लेट में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 20 वोल्ट कम हो गया ना, तो यहाँ का पोटेंशियल तुम क्या लिखोगे, -20। अच्छा ये इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका कितना होगा, ये छोटी प्लेट है, छोटी प्लेट का मतलब उसका पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अगर ये 50 वोल्ट का डिफरेंस है और ये 0 है, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, -50 लिखोगे। क्यों, अच्छा इस 50 का मतलब क्या है, इस 50 का मतलब है कि बड़े वाले प्लेट का पोटेंशियल छोटे वाले प्लेट से 50 ज्यादा है, और इसका मतलब अगर ये 0 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल 0 है, तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस प्लेट का -50, घट जाएगा ना, यही -50 यहां तक आएगा। ओके, अब मैंने इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लिख ली, इसके अक्रॉस भी लिख ली, अब करंट क्या होगा, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो ये 10 और -20 में कौन हायर पोटेंशियल पे है, 10, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, लेट्स दिस करंट इज I1। अच्छा -50 -20 में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, -20, माइनस है ना, माइनस को ऐसे ज्यादा हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेट्स दिस इज I2। मैं पूछूं करंट I1 कितना होगा, तो करंट I1 इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, 10 माइनस ऑफ -20 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई इस वायर का रेजिस्टेंस, दैट इज 10 ओम, दैट इज 3 एम्पियर। नाउ I2, I2 ये करंट है, ये करंट किससे आएगा, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, तो -20
माइनस ऑफ माइनस 50 एंड दिस वन डिवाइड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस दैट इज 20 ओम. नाउ ये कितना आएगा, प्लस 50 माइनस 20, 30/2, दिस इज 3/2 एम्पीयर आंसर. ठीक है, तो मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि बीपीवाई का एग्जाम हो या एनएससीपी का एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ईजी पूछेगा, बिकॉज यू आर इन 11th क्लास. अगर आप 12th क्लास में होते तो फिर आपको केबीपीवाई का जो क्वेश्चंस होता इलेक्ट्रिसिटी का, वो अच्छा क्वेश्चन होता. ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं 11th क्लास के लिए केबीपीवाई के एग्जाम का प्रिपरेशन. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने करंट कैलकुलेट करना सीख लिया. ओके, कुछ सिंपल क्वेश्चन और करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. जैसे बल्ब, बल्ब तो बल्ब जो घरों में जलता है, बल्ब में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. तो ये ऐसा बल्ब है सपोज करो, और ये इसका फिलामेंट है. ये फिलामेंट है और इसी पे तुम बैटरी से इसको कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा. तो बल्ब रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछता है तो देखिए, सपोज करिए इस बल्ब पे लिखा गया 100 वाट, 200 वोल्ट, ऐसा लिखा गया. तो पहले इसका मतलब बता दूं क्या है. इसका मतलब है 100 वाट, 200 वोल्ट का मतलब है कि अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हो तो बल्ब पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी देगा. देखो बहुत सारे बल्ब होते हैं, 50 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का होता है, 200 वाट का होता है, 5 वाट का बल्ब होता है, उन सबकी रेटिंग सेम होती है, वोल्टेज रेटिंग सेम होती है. वोल्टेज देखो, ये पावर रेटिंग बिकॉज दिस इज इन वाट, दिस इज द वोल्टेज रेटिंग बिकॉज दिस इज वोल्टेज. बट ऑल बल्ब्स आर मेड एट सेम वोल्टेज रेटिंग बट देयर पावर मे या मे नॉट सेम. तो जितने बल्ब बनाए होते हैं सबका वोल्टेज रेटिंग सेम होती है, बट जो पावर रेटिंग होती है ये अलग अलग हो सकता है. तो इसका सिर्फ मतलब क्या होता है कि अगर एक बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दोगे तो बल्ब पर सेकेंड 100 वाट एनर्जी देगा, 100 जूल एनर्जी देगा. लेकिन लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होता है. क्या घर में हमेशा 200 वोल्ट ही आता है क्या? वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होता है, कभी 200 वोल्ट, कभी 100 वोल्ट, कभी 50 वोल्ट, फ्लक्चुएशंस होते हैं. तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या इससे जो एनर्जी डेवलप होगी वो 100 वोल्ट डेवलप होगी? नहीं. अब जब भी क्वेश्चन पूछेगा केबीपीवाई में या एनएससीपी में, वो कहेगा कि इसकी रेटिंग इतनी है, अब इस बल्ब को उठा के हमने 50 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ दिया, बताइए उससे कितना एनर्जी पर सेकेंड आ रही होगी. तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, तो देखिएगा हर बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है और उस फिलामेंट की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किसी बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज अप्लाइड. अगर ये वोल्टेज अलग अलग करते हो तभी भी ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है. तो रेजिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, हर बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग कांस्टेंट कर रहा हूं, हाँ हर बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो एक स्टेप आप लिखेंगे कॉपी में और इसको याद रखेंगे, टू सॉल्व बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम, टू सॉल्व बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम फर्स्ट फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, फर्स्ट फाइंड resistance of bulb
फर्स्ट फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब एंड देन यूज दिस रेजिस्टेंस एंड देन यूज दिस रेजिस्टेंस इन अदर इन क्वेश्चन इन क्वेश्चन. ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब एंड देन यूज दिस रेजिस्टेंस इन क्वेश्चन. ओके तो देखो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है. पावर इज वी स्क्वायर बाई आर. तो पावर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर. तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पावर रेटिंग इज इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. इसके सहायता से, इस फॉर्मूले के सहायता से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वोल्टेज का रेटिंग एंड डिवाइड बाय, इसको नीचे भेज दीजिए, दिस इज पावर रेटिंग. दिस इज स्टेप वन, कैलकुलेशन का स्टेप वन है. दिस इज स्टेप वन फॉर कैलकुलेशन. तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट सकते हैं, कर सकते हैं वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटिंग से. एक बार अगर रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो जाता है, इसके बाद स्टेप टू. स्टेप टू में क्या करेंगे, इसी रेजिस्टेंस का यूज करेंगे इस सर्किट में. तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया सर्किट बनाएंगे इस तरीके से, इस रेजिस्टेंस को इस पे दिखा देंगे, ये नया सर्किट डायग्राम, और ये रेजिस्टेंस जो आया यहां पर उठा के प्लेस कर देंगे. एंड दिस इज जो भी है इस बल्ब का वोल्टेज, मान लो वी नॉट. अब इस सर्किट का हम करंट निकालेंगे. स्टेप थ्री, सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस निकाला रेटिंग के साथ से, फिर ये सर्किट बनाई और नया वाला वोल्टेज, जिस वोल्टेज को उन्हें अप्लाई किया है, अप्लाइड वोल्टेज यहां लगाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज. स्टेप थ्री, करंट पता कर लेते हैं. द करंट इन दिस रजिस्टर इज आई एस, इसके क्रॉस वोल्टेज वी नॉट है, तो वी नॉट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर. ये करंट आ गया इसका. तो कोई पूछे पावर कितना होगा, इसमें पावर कितना होगा, दैट इज आई स्क्वायर आर. करंट आ गया, रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर कर दीजिए, आपको पावर मिल जाएगा. तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब भी बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हैंडल करना हो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रेटिंग वोल्टेज एंड रेटिंग पावर. वंस यू हैव कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, मेक अ न्यू सर्किट डायग्राम लाइक दिस एंड अप्लाई बैटरी एंड एट दिस पॉइंट यूज अप्लाइड वोल्टेज एंड आफ्टर दैट फाइंड करेंट थ्रू रजिस्टर्स. वंस यू कैलकुलेट करेंट फाइंड पावर, दैट इज आई स्क्वायर आर. ओके तो क्वेश्चन करता हूँ, इसे कॉपी पे आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे, मैं अगेन कर रहा हूँ. वी आर स्टडिंग फॉर 11th KPPY. ओके तो इसलिए बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं बेसिक तरीके बता रहा हूँ, आप उसके हेल्प से आगे बढ़ेंगे. KPPY के इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे, NACP के क्वेश्चंस कर लेंगे. चलिए क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन है कि अ बल्ब ऑफ 100 वॉट 200 वोल्ट इज ज्वाइंट विथ बैटरी ऑफ EMF. अच्छा EMF ही उसका वोल्टेज है, जो वी नॉट लिख रहा था ना, EMF बैटरी का, ये EMF को ही वी नॉट यहाँ पे बोलोगे. 11th क्लास में इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बैटरी के EMF बोले मतलब बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहा है यहाँ पे, आइडियल बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहा है. EMF ऑफ 50 वोल्ट, एक सेकेंड लिख लीजिए, ठीक है 50 वोल्ट. देन फाइंड करेंट एंड
पावर ऑफ बल्ब। ओके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है आप अटेम्प्ट करिए, 2 मिनट बाद मैं आपको बता देता हूँ। ओके क्या करेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालें तो बल्ब का रेजिस्टेंस आर क्या आएगा, वी स्क्वायर अपान पावर रेटिंग। तो वी स्क्वायर कितना है, वोल्टेज 50 वोल्ट है, नहीं रेटिंग वोल्टेज है 200 है, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटिंग कितना 100, दिस इज 400 ओम। अब क्या करेंगे, इसको 400 ओम को बैटरी से कनेक्ट करेंगे 50 वोल्ट की। पहला काम स्टेप वन में ये किया, स्टेप टू नाउ करंट पता करेंगे। करंट के लिए ये जो करंट आएगा, दिस वन इज द करेंट आई इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो दिस वन इज 1/8 एम्पियर करेंट आ गया। फोर्थ क्या करेंगे, करंट के इसमें पावर निकाल लेंगे। पावर क्या होगा, बल्ब का पावर होगा आई स्क्वायर आर। वट इज आई, आई इज 1/8 स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज वॉट 400 ओम मल्टीप्लाई कर इतना जूल पर सेकेंड या वॉट एंड दिस इज आंसर। ओके तो इस तरीके से मैंने बल्ब का एक क्वेश्चन किया। ठीक है अब ऐसी दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है कॉन्सेप्ट्स को। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया था, बैटरी से करंट निकालना, फिर मैंने आपको बल्ब बता दिया। ओके अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का एंड व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। देखिए सीरीज रेजिस्टेंस इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस की खासियत होती है कि उन सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस में करंट सेम है तो आप बोलेंगे कि वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, इफ करंट इन ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, इफ करंट इन ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, ऑल क्यों, इफ करंट इन रेजिस्टेंसेस आर सेम देन दीज रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज। इफ करंट इन resistances are same then these resistances will be in series। तो series resistance की खासियत होती है कि अगर इनको आप हटाओ और इसके जगह पे एक single resistance लगा दो, series resistance करो, अगर ये तीनों resistance series में है, equivalent resistance का मतलब होता है कि इन तीनों को हटाओ और एक single resistance लगा दो। तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा एग्जैक्टली वही करंट इसमें फ्लो करता है। तो दिस आर इज नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। मतलब ये जिस भी कनेक्शन में लगे हुए हैं, जिस बैटरी से जुड़े हुए हैं,
उसी बैटरी से इस सिंगल रेजिस्टेंस को लगाने के बाद भी वही करंट आता है जितना इस तीनों से आता है, तो हम इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इनका इक्विवेलेंट है, और उसकी वैल्यू आती है दिस इज R1 + R2 + R3। ये आपको अलग से ध्यान रखना कि रेजिस्टेंसेज अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 होगा। यही बात मैं कर रहा हूं पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए। अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा। मतलब इन इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। अगेन लाइन यूज कर रहा हूँ, देखिए, इफ रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल, इफ रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो अगर इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है, इक्विवेलेंट कह रहा हूँ, अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसको अगर हटा देते हो और इसके पे एक सिंगल रेजिस्टर लगाते हो तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा। तो अगर रेजिस्टेंसेस पैरल हैं उनको हटा दिया जाए और उनके जगह पे एक सिंगल रेजिस्टर लगाया जाए तो उसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आता है जो यहाँ पे इंडिविजुअल के अक्रॉस होता है। और इस आर की जो वैल्यू होती है वो गवर्न करता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 को गवर्न करता है। तो सीरीज के लिए आप इसे याद रखेंगे, पैरेलल के लिए आप इसे याद रखेंगे। हाँ, ऐसा कहीं भी डायग्राम हो तो आप इसके जगह पे एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी का। ओके ओके देन क्वेश्चन करते हैं। यूज कर रहा हूँ, देखिए एक बार फिर रिपीट कर दूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं KVPY NACP का, तो मैं आप सबका मैसेज देख रहा हूँ, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वी आर स्टडिंग फॉर KVPY और KVPY में थेवेनिन थ्योरम नहीं आता। तो क्वेश्चन करते हैं, रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस और लगा दिए, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 11th की KVPY की स्टडी कर रहे हैं, एसए पेपर, इसका वोल्टेज कितना होगा, लेट्स दिस इज 100 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस सपोज करो 10 ओम और ये दिया गया सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ये भी 10 ओम का और ये दिया गया सपोज करो 20 वोल्ट, 20 ओम पूछ रहा है फाइंड करंट इन, करंट थ्रू बैटरी, बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा। एंड ऑल्सो फाइंड टोटल ही डेवलप, ठीक है, तो देखिए फिर वही सीरीज पैरल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये 10 ओम 8 ओम पैरल है ना, अगर ये पैरल है
इनका इक्विवेलेंट लिख सकते हो, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, वन अपान आर वन इज इक्वल्स टू वन अपान टेन प्लस वन अपान टेन। पैरल का क्या होता है, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट मैंने आर वन मान लिया, वन अपान आर वन इक्वल्स टू वन अपान टेन प्लस वन अपान टेन, तो इससे क्या बनेगा, वन अपान फाइव, देन वट इज आर वन, आर वन इज फाइव। अब इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, फाइव ओम लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट है। एक नया सर्किट डायग्राम बनाएंगे, द 20 ओम, ये 20 ओम का, और ये पूरे के इक्विवेलेंट कितना है, फाइव, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइव, और ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट की। अब सर्किट ये बन गया। अच्छा, ये दोनों सीरीज में हो गया, सीरीज में, तो 20 ओम ये 5 ओम सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होगा, आर वन प्लस आर टू, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 20 प्लस 5 दैट इज 25। हंड्रेड वोल्ट एंड दिस इज 25। आप कोई पूछे करंट बताइए इस सर्किट का, तो करंट कितना होगा, 100 वोल्ट की बैटरी, 25 ओम रेजिस्टर, दिस इज 4 एम्पियर। अब कोई पूछे नेट पावर कितना डेवलप होगा, टोटल पावर, तो फिर आई स्क्वायर इंटू आर, आर इक्विवेलेंट का हेल्प लेंगे, आई फोर है, तो फोर का स्क्वायर इंटू आर इज 25, तो दिस इज इतना वाट। तो आंसर एक तो ये बन गया और एक आंसर ये बन गया। कॉपी इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ तो लिखेंगे फर्स्ट लॉ, इसका किरचॉफ फर्स्ट लॉ लिखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एट अ जंक्शन पॉइंट, एट अ जंक्शन पॉइंट, जैसे कि मान लो इधर से भी एक वायर, इधर से भी एक वायर, और एक वायर इधर जा रहा है, इधर से मान लो करंट आई वन आ रहा है, इधर से करंट आई टू आ रहा है, तो फिर इस पॉइंट पे चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होगा, करंट का एक्युमुलेशन नहीं होगा टाइम के साथ, यहाँ पे करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा आफ्टर स्टडी स्टेज। तो इधर से करंट आई वन आ रहा है, इधर से आई टू आ रहा है, इधर जो करंट है लेट्स ये आई थ्री जा रहा है इधर, तो क्या होगा, जंक्शन लॉ ये कहता है कि आई वन प्लस आई टू, इधर से करंट आई वन आई टू आ रहा है, इधर जा रहा है आई थ्री, दैट इज इक्वल टू आई थ्री, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री। दिस मीन्स एट जंक्शन पॉइंट आफ्टर स्टडी स्टेट करेंट एक्यूमुलेशन इज जीरो। तो लिखो स्टेटमेंट, आफ्टर स्टडी स्टेट एट एनी जंक्शन पॉइंट करेंट इज नॉट एक्यूमुलेटिंग, आफ्टर स्टडी स्टेट एट एनी जंक्शन पॉइंट करेंट इज नॉट एक्यूमुलेटिंग, द फर्स्ट लॉ। जैसे अगर एक इजी सा क्वेश्चन मैं रखूं आपसे, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, और एक रजिस्टर इधर बना दिया, इधर से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, इधर को जा रहा है सपोज करो 3 एम्पियर, इधर को जा रहा है सपोज करो 7 एम्पियर, और इधर जा रहा है आई, क्वेश्चन पूछ रहा है आई की वैल्यू बताइए, यूज करेंगे जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ में जो करंट आ रहा है उसको प्लस मान लो, तो इधर से कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, और ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, आने वाला करंट 4 एम्पियर है इज इक्वल टू जाने वाला करंट 7 है, आई है प्लस 3 है 7, तो आने वाला करंट 4 इज इक्वल टू जाने वाला करंट 7 प्लस आई प्लस 3, तो ये 10 बनेगा, आई इज माइनस 6, देखो 7 प्लस 3 10 इधर भेज दो, तो 10 माइनस 4 इज माइनस 6 एम्पियर, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहेगा दिस इज माइनस 6 एम्पियर, माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट इसमें जो इन्होंने डायरेक्शन माना है ना वो डायरेक्शन इधर नहीं होगा, डायरेक्शन अंदर करो, मतलब करंट 6 एम्पियर का होगा, मैग्नीट्यूड तो 6 एम्पियर ही रहेगा,
बट ये करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रहा होगा, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। समांतर क्या करेंगे, 6 एम्पियर, बट अपोजिट डायरेक्शन एज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया गया है तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में करंट 6 एम्पियर का है और अंदर की ओर जा रहा होगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन टू है, मान लो ऐसा दिया होता, एक रजिस्टर ए है, एक रजिस्टर ए है, अगर कोई आपसे कहे कि यहां का वोल्टेज 40 वोल्ट है, यहां का वोल्टेज 60 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो बताइए ये जो वोल्टेज है, यहां का वोल्टेज, लेट्स दिस इज वी नॉट, पूछ रहा हूं, फाइंड वी नॉट एंड करेंट आई। दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर ऐसे है, यहाँ का वोल्टेज 40 वोल्ट है, यहाँ का वी नॉट है, यहाँ का 60 वोल्ट है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, पूछ रहा हूँ फाइंड वी नॉट, इसकी वैल्यू बताइए और इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जंक्शन लॉ यूज कर लेते हैं। जंक्शन लॉ में क्या करते हैं, इधर से जो करंट आएगा, लेट्स दिस करंट इज आई, क्या वही करंट इसमें जाएगा? यस, क्योंकि एक ही है ना वायर, तो जो करंट इधर जाएगा वही इधर जाएगा, तो ये करंट आई किसके बराबर होगा? तो पोटेंशियल का डिफरेंस इस रजिस्टर पे 40 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 5 ओम, क्या ये करंट आना चाहिए? व्हाट इज करंट? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो 40 वोल्ट माइनस वी नॉट एंड डिवाइड बाई 5, दिस करंट, एंड दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट। ये करंट क्या होगा? वी नॉट माइनस 60 एंड डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस क्या होगा? 10। ओके, और यही बेसिकली आई है, यही तो आई भी है, तो इसको इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे, वी नॉट आ जाएगा। अब वी नॉट उठा के चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, करेंट आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया किरचॉफ जॉनसन लॉ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किरचॉफ लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज लॉ, ये क्या? देखिए, ये कहता है किसी भी कंप्लीट लूप में, किसी भी कंप्लीट लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो कोई भी सर्किट बनाओ, उस सर्किट में अगर एक पॉइंट यहां से तुम चलते हो घूम के यहीं पर आ जाओ, तो आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पाएंगे। लिखिए स्टेटमेंट, इन एनी कंप्लीट लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इन एनी कंप्लीट लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इन एनी कंप्लीट लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। जैसे एक रजिस्टर है, एक बैटरी मैंने इसमें लगा दिया और एक रजिस्टर ऐसे बना दिया, एक रजिस्टर ऐसे बना दिया, लेट्स दिस रेजिस्टेंस इज आर वन, इसका ईएमएफ को ईवन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ईएमएफ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आर टू, इसका आर थ्री मान लिया। तो अगर मैं इसमें किरचॉफ लगाऊं ऐसे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, रजिस्टर में वोल्टेज का डिफरेंस आई इंटू आर होता है, जबकि बैटरी में वोल्टेज का डिफरेंस सिर्फ उसकी ईएमएफ से लिखोगे। और अभी के लिए एक स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, ठीक है? देखिए, अब लूप ला लगाना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये बैटरी लगी है, आपको डायरेक्शन जैसा मन करे वैसा मान लो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेता है। तो लेट्स आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया, आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया,
और इस करंट को आई एज्यूम कर लो, इस करंट को आई एज्यूम कर लो, इस करंट को मैंने आई एज्यूम कर लिया। ये रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री और ये बैटरी का ईएमएफ ई वन है। अब मुझे लूप ला लगाना है, तो अभी के लिए हम स्टेप्स लिख लेंगे, फिर अप्लाई करूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा स्टेप्स क्या। स्टेप ये है कि अगर अच्छा इस रजिस्टर में कोई पूछे करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे आ रहा है ना ऊपर को जा रहा है, कोई पूछे इस रजिस्टर में किधर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो ये एरो नहीं बता रहा, ये एरो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर रजिस्टर में आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप ऐसे घूम रहे हैं, इस लूप ला लगाने के लिए आपको एक चक्कर लगाना पड़ेगा। अब एक चक्कर आप ऐसे लगा रहे हैं इसमें कि ऐसे लगा रहे हैं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप जैसे भी लगा रहे हो और रजिस्टर में जब आप मूव करेंगे, रजिस्टर में जब आप मूव करेंगे तो रजिस्टर में अगर आप करेंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आई इंटू आर को प्लस लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है। तो अगर रजिस्टर में आप करेंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो आई इंटू आर को प्लस लिखेंगे, और उसके अपोजिट चलेंगे आई इंटू आर को माइनस लिखेंगे। स्टेटमेंट नोट करिए, इफ यू आर मूविंग इन रजिस्टर, इफ यू आर मूविंग इन रजिस्टर एज सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट, एज सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट, इफ यू आर मूविंग इन रजिस्टर एज सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट, टेक आई आर एज पॉजिटिव साइन, टेक आई आर कैपिटल आई आर एज अ पॉजिटिव साइन। तो पहला स्टेटमेंट मैंने नोट करवाया कि अगर रजिस्टर में आप करेंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आई आर को पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर अपोजिट से आ रहे हैं तो आई आर को नेगेटिव लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर आप मूव करते हो, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो बैटरी के, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो पहले बैटरी के निगेटिव को टच किए कि पॉजिटिव को टच किए हैं, पहला अंडरलाइन है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो पहले छोटे प्लेट टच करेंगे बड़े प्लेट टच कर रहे हैं, छोटे प्लेट को, दैट इज नेगेटिव। तो अगर ऐसे घूमते हुए आप बैटरी के निगेटिव प्लेट को पहले टच करेंगे तो इसकी ईएमएफ को निगेटिव लिखिएगा, और अगर बड़े प्लेट को पहले टच करेंगे तो उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव लिखिएगा। जैसे अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम ऐसे घूमेंगे ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो पहले किसको टच किया, पॉजिटिव। अब स्टार्टिंग तुम यही समझ करोगे ना, स्टार्टिंग इधर से करो, यहाँ से करो, चाहे इधर चाहे इधर, बैटरी के बाहर से शुरू करो ना बैटरी के अंदर शुरू कर दो, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ऐसे चलोगे तो निगेटिव को पहले टच किया तो माइनस ई वन लिखेंगे, और अगर ऐसे चलेंगे तो पहले इसको टच किया तो प्लस ई वन लिखेंगे। इफ यू टच निगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी फर्स्ट, इफ यू टच negative plate of battery first, take negative sign, and if you touch positive plate of battery first, take positive sign. तो बैटरी के negative plate को पहले टच करेंगे तो negative sign लिखना, और बैटरी के positive plate को पहले टच करना तो positive sign लिखना। जैसे मान लो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। अच्छा, इस तरीके से बनाने का मतलब होता है कि आप किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, ये करंट आई है, तो अगर करंट आई है तो क्या आप रजिस्टर में जो करंट है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ, देखो आप ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो आई इंटू आर थ्री को प्लस लिखिएगा। फिर ऐसे घूमते हुए फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर आई इंटू आर टू को प्लस लिखिएगा। फिर निगेटिव टच किया बैटरी के नेगेटिव प्लेट को तो माइनस ई वन लिखेंगे। फिर ऐसे घूमते हुए देखो इस रजिस्टर में करंट डायरेक्शन जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, प्लस आई इंटू आर वन लिखूंगा। फिर आ गया यहीं पे, यहीं से चला था, दैट इज जीरो। इन एनी कंप्लीट लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो ये है लूप लॉ या वोल्टेज लॉ का इक्वेशन, ठीक है। In any complete loop, net potential difference will be zero.
रेजिस्टर में करंट डायरेक्शन जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, अपोजिट जाएंगे माइनस लिखेंगे, बैटरी के निगेटिव को पहले टच करेंगे माइनस लिखेंगे, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को पहले टच करेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन है मान लीजिए बैटरी है, ये रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक बैटरी है, ये दिया गया 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, दिस वन इज 5 ओम, दिस वन इज 10 ओम, पूछ रहा हूँ फाइंड करेंट इन ऑल रेजिस्टर्स और मुझे किरचॉफ की सहायता से पता करना है, किरचॉफ लॉ की सहायता से। तो किरचॉफ लॉ की सहायता से पता करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में किरचॉफ लॉ से पता करना है तो सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं, आंसर आ जाता है। देखो स्टेप, स्टेप्स टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ लॉ, स्टेप्स टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ लॉ। फर्स्ट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंट इन इट्स रजिस्टर्स, पहली लाइन है, डिस्ट्रीब्यूट करेंट इन ईच रजिस्टर, पहली लाइन है डिस्ट्रीब्यूट करेंट इन ईच रजिस्टर, सेकेंड लाइन यूज किरचॉफ सेकेंड लॉ टू फाइंड इक्वेशंस, पहली लाइन थी डिस्ट्रीब्यूट करेंट इन ईच रजिस्टर, सेकेंड यूज किरचॉफ सेकेंड लॉ टू फाइंड इक्वेशंस, थर्ड लाइन सॉल्व इक्वेशन एंड फाइंड आंसर, सॉल्व इक्वेशन एंड फाइंड आंसर। जैसे इसी में स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, मान लो अपने मन से ये करंट मैंने I1 मान लिया, स्टार्ट कहीं से करो तुम्हारी मर्जी है, करंट कहाँ से स्टार्ट करना है ये तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो कि यहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो तुम्हारी मर्जी। तो मैंने यहीं से मान लिया करंट I1, ये करंट I1 ऐसे आएगा, अच्छा ऐसे करंट I1 आएगा, और डायरेक्शन भी मत जाना, डायरेक्शन तुम इधर मानोगे इधर मानोगे, मैथमेटिक्स एडजस्ट करके सॉल्व करके बता देगा कि डायरेक्शन किधर होगा, तो मन करो तो आगे मारो मन करो तो पीछे मारो, मैग्नीट्यूड एकदम सेम आएगा, माइनस साइड बस यही बताएगा कि आपने अगर इधर माना है और माइनस आ गया तो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं, पीछे जैसे मन करे वैसे मानो। तो मैंने यहाँ से करंट I1 मान लिया, तो I1 ऐसे आएगा, इसमें भी I1 आएगा, यहाँ में भी I1 आएगा, फिर ये दो ब्रांच मिल गया, एक ये इधर मान लो मैंने I2 मान लिया, तो इसमें कितना फ्लो दिखाओगे, तो इधर से करंट I1 आ रहा है इधर I2 जा रहा है, तो इसमें जो होगा दिस वन इज I1 माइनस I2, अब इधर से आएगा I1 माइनस I2, देखिए I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, इधर से I1 माइनस I2 है ये I2, अब ये I2 करंट और ये जो I1 माइनस I2 है ये आपस से मिल जाएगा, जब ये करंट एक करंट मिलेगा तो करंट इसमें जाएगा, मिल गया। तो पहला काम क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करंट, मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकेंड स्टेप क्या है, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करो, तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ यूज करो, सेकेंड लॉ का मतलब आपको मूव करना है सर्किट में, घूमना है, कहीं से भी शुरू कर दो यहीं शुरू करो, यहाँ शुरू करेंगे ऐसे ऐसे मूव करेंगे ऐसे, जिसमें दो लूप है, एक लूप ये दिख रहा है एक लूप ये दिख रहा है, दोनों लूप को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो पहले किसको टच किया, नेगेटिव प्लेट को ना, माइनस टेन लिखेंगे, सॉरी ये 10 वोल्ट है,
तो ऐसे घूमते हुए मैंने निगेटिव को पहले टच किया तो -10 वोल्ट, फिर अब उसके बाद इसको टच करी तो -10, फिर इसको टच किया तो +10 ही करना, वो एक ही लिखना है वो भी उसको जो पहले, तो ऐसे घूमते हुए इसको टच किया तो -10, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे अभी कोई रजिस्टर नहीं है, फिर ऐसे चलेंगे। अच्छा देखो इस रजिस्टर में जो करंट है ऊपर को रहा है, तुम चल भी तो ऊपर को रहे हो, तो I × R+ लिखेंगे और फिर आ गया यहीं पे, क्या सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखना बाकी है तो +IR लिखेंगे, तो +I कितना, I2 × 5, I2 × 5, सर्किट कंप्लीट, देन =0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम हम इस लूप में करेंगे, यही काम इस लूप में करेंगे। अच्छा यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल गई, दिस इज 2 एम्पियर। आंसर इसका I2 कौन सा है, ये वाला करंट मिल गया, ये वाला करंट आपको मिल गया। फिर पूछा 5 ओम में कितना करंट है, तो आंसर 2 एम्पियर। हम इसमें लगाएंगे, इस लूप में लगाएंगे जंक्शन का, स्टार्ट कहीं से कर दो तुम्हारी मर्जी, चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ऐसे घूमो, करंट डायरेक्शन चल रहा, करंट डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन, अच्छा करंट डायरेक्शन है तो प्लस लिखेंगे, रजिस्टर में करंट आ गया ना प्लस, तो इधर उधर करंट भी इधर ही फ्लो कर रहे हैं। ये करंट क्या, I1 − I2, तो I1 − I2 × 10। तो ऐसे घूम रहा हूँ, फिर मैं ऐसे आऊंगा ऐसे, अच्छा ये करंट ऊपर फ्लो कर रहा है और तुम्हारे नीचे को, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन है, हाँ। तो आप लिखेंगे -I × R, आई क्या है I2 × R कितना है 5। तो मैं ऐसे घूमते हुए इधर चला तो यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे उल्टा जा रहा तो माइनस लिखा IR को, फिर ऐसे घूमते हुए, अच्छा पहले किसको टच किया, पॉजिटिव प्लेट को कि नेगेटिव को, देखो घूमते हुए पहले पॉजिटिव टच किया, लिखेंगे +20, फिर आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे -0, सर्किट कंप्लीट। अच्छा यहाँ से देखो I2 कितना है, 2, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर, यहाँ से आएगा I1 और यहाँ भी प्लेस कर दो, I2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी, यहाँ भी, ये क्या I1 − 2, I1 − I2 = 2, ये 10 है, ये क्या −I2 कितना 2, ये क्या 5 +20 = 0। अच्छा यहां से क्या आएगा, ये बनेगा 10 यहां पे जाएगा ना, तो ये बनेगा 10 I1 − 20, ये क्या −10 = 20, दैट इज 10 +10 = 0, इससे I1 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये −10 इधर जाएगा तो आ जाएगा 1 एम्पियर। बट I1 इज 1 एम्पियर इज नॉट आंसर, को 10 एम्पियर में करंट क्या है, I1 − I2 है ना, तो आंसर इज व्हाट, I1 − I2। तो अगर मैं पूछूं आपसे I1 − I2 की वैल्यू कितनी होगी, I1 कितना है 1, I2 क्या है 2, तो 1 − 2, दिस इज -1। इसका मतलब इस 10 ओम में जो, इस 10 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है ना उसकी वैल्यू -1 होगी। -1 का मतलब मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर, और डायरेक्शन ये ऐसे जो दिखा रहा हूँ वो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि करंट राइट साइड में फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर के बराबर। तो मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूँ, ये जो 5 ओम है इसमें जो करंट फ्लो करेगा I5 5 ओम में करेगा, दैट इज I2 2 एम्पियर, एंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इन राइट डायरेक्शन, तो दिस इज आंसर। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में किरचॉफ लगाना सीखा, ऐसे ही क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। अब बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको क्या करूँगा, इसके DPP दे दूंगा और आप उस DPP में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके ये क्वेश्चन और करता हूँ, ये क्वेश्चन है, रजिस्टर है, ये रजिस्टर है,
एक बैटरी ऐसे लगा दिया, एक बैटरी ऐसे लगा दिया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये है मान लो 1 ओम, ये है 2 ओम, और ये है सपोज करो 4 ओम। ये वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। पूछेगा फाइंड करंट इन इसमें, कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर वही काम, कहीं से भी शुरू करो, तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी शुरू करो, अटेम्प्ट करके देखो, बस 1 मिनट। ठीक है, देखो आईडी पासवर्ड भेज सकता हूँ, बट तुम सिंपल सिंपल क्वेश्चन सिखा रहे हो 11 KBY के लिए, तो क्या करो। ठीक है, देखो कहीं से भी अज्यूम कर लो, करें तुम्हारी मर्जी है। मान लो करंट ऐसे मान लिया, तुम्हारी मर्जी है, नहीं चलो यहाँ से नहीं मान, नहीं मानते तो सर हम यहाँ से मानेंगे। मान लो यहाँ से लेट दिस करंट इज I1, तो ये करंट ऐसे जा रहा है I1। अब यहाँ पे ब्रांच आ गया ना, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो मान लो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा I2। इसमें कितना मानोगे, इसमें से ये घटा के लिखोगे ना, जैसे करंट आ रहा है कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर कितना करंट जाएगा, तो दिस इज I1 - I2। तो अगर इधर से करंट I1 आ रहा है और इधर I2 जा रहा है, कोई पूछे इसमें कितना जाएगा, तो I1 से I2 घटा दो, ये करंट I2 इधर आएगा, ये करंट I2 इधर आएगा, बस ये करंट I1 है, तो ये करंट ऐसे दिखाएगा। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब किरचाफ का फर्स्ट लगा लिया, किरचाफ का सेकंड ना लगाएंगे, ये इसका मतलब है कि मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। स्टार्ट कहीं से भी कर दे, तुम्हारी मर्जी है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लूप के लिए। इसमें भी घूमना पड़ेगा और इसमें भी घूमना पड़ेगा इस लूप के लिए। तो मैं ऐसे घूमूंगा, किसको टच किया पहले, बैटरी या पॉजिटिव प्लेट को, क्लस्टर। फिर ऐसे घूमते मैं ऐसे चल रहा हूँ, मतलब ये जो करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, मैं उसका उल्टा चल रहा हूँ ना, तो क्या लिखेंगे, -I into R। इस वायर में करंट क्या है, I1 - I2 इंटू आर, कितना 2। फिर ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे चलूंगा। अच्छा इस वायर में इधर करंट है, क्या मैं उधर ही चल रहा हूँ, हाँ, तो लिखेंगे प्लस I2 into R। फिर आ गया यहाँ पे सर्किट क्लोज, 0 इलेक्शन। अब इस लूप की बात करेंगे, इस लूप में भी शुरुआत कहीं से भी कर दो, चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो जब ऐसे जाओगे तो इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को पहले टच किया, आप क्या लिखेंगे, बस चलते आ रहा हूँ। ऐसे घूमते हुए बैटरी के प्लस को पहले टच किया, तो +20। फिर ऐसे घूमते हुए करंट के डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो I1 into R। फिर ऐसे घूम के आऊंगा, तो क्या करंट के डायरेक्शन जा रहा हूँ, हाँ, तो इसमें करंट कितना है, I1 - I2 इंटू ये R कितना है, 2 ओम। फिर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन बटो, तो यहाँ से घूमते हुए +20। फिर ऐसे करंट डायरेक्शन में, तो +IR। फिर ऐसे, तो +I1 - I2 × R। सर्किट कंप्लीट, दैट इज द। अब दो ही क्वेश्चन दोनों ना, देखो I1 और I2 बस अनोन है, सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, किरचॉफ सिखाया, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा वोल्टमीटर अमीटर की चीज़ें बता दूंगा, हीट स्टोर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।